नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BDR एजुकेशन सेंटर। मैं हूं DS रावत। पिछले वीडियो में मैंने वैसे हटक समिति के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए। देश की शिक्षा की स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से सन 1929 में हटक समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने दावा किया था कि विश्वविद्यालयों की मैट्रिकुलेशन परीक्षा अब भी समस्त माध्यमिक पाठ्यचर्चा सबसे प्रमुख या प्रबल है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए समिति ने अनुशंसा की बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो कि किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं, उनके लिए मिडिल स्कूल के पश्चात विद्यालयों में अधिक विविध पाठ्यक्रमों का प्रावधान होना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि अधिक बच्चे मिडिल स्कूल पास करने के पश्चात औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में भेज दिए जाएं, जहां टेक्निकल और औद्योगिक विद्यालयों में उन्हें विशेष शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। इस समिति ने अध्यापन शिक्षा और माध्यमिक अध्यापकों सेवा अवस्था की समीक्षा भी की। उसके बाद है सप्रो समिति, विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम। सप्रो समिति की नियुक्ति सन 1934 में उत्तर प्रदेश, उस समय इसको अपर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगार कारणों की जांच करने हेतु इस समिति की स्थापना की। समिति का यह निष्कर्ष था कि हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्रियों के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। समिति ने माध्यमिक स्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को महसूस किया और इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम लागू किए जाएं, जिसमें से एक विश्वविद्यालय डिग्री की ओर ले जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज को समाप्त कर दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाए, अपर माध्यमिक स्तर से भी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाए और विश्वविद्यालय के डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को 3 वर्षों का कर दिया जाए। उसके बाद है अबॉट वुड्स प्रतिवेदन रिपोर्ट। पॉलिटेक्निक सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सन 1935 के प्रस्ताव का पालन करते हुए 1936 में 2 विशेषज्ञ सलाहकारों श्री अबॉट तथा वुड्स को सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया, ताकि वे सरकार को व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर सलाह दे सकें। अबॉट और वुड्स की इस विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट को सन 1937 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में व्यावसायिक संस्थाओं को का एक पूर्ण व्युत्क्रम सुझाया गया, जो उन संस्थाओं के लिए समानांतर था जो कि सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं। इन संतुतियों के परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार की तकनीकी शिक्षा संस्था का उदय हुआ, जिसे पॉलिटेक्निक का नाम दिया गया। कई राज्यों में पॉलिटेक्निक में तकनीकी व्यापारिक एवं कृषि संबंधी हाई स्कूल प्रारंभ किए, जो कि गैर साहित्यिक शिक्षा प्रदान की गई। आगे है दोस्तों जाकिर हुसैन समिति प्रतिवेदन। वर्धा स्कीम 1937 बेसिक शिक्षा। सन 1937 में जब 7 प्रांतों ने देसी मूल भारतीय निवासियों को प्रतिनिधियों के साथ प्रांतीय सरकारें बनाई, तो उन्होंने अपना ध्यान शैक्षिक सुधारों पर दिया। अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा सुझाया गया यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया इस समस्त अवधि में हाथ से किए जाने वाले उत्पादन कार्यों के इर्द गिर्द केंद्रित थी। विकसित की जाने वाली सभी योग्यताएं या प्रशिक्षण जहां तक संभव हो सके बच्चों